अगली खबर मध्य प्रदेश के खंडवा से बता रहे हैं, जहां फिर फूटा कोरोना का कहर। सैंपल रिपोर्ट में निकले 22 कोरोना पॉजिटिव मरीज, जिसमें एक मरीज बौद्ध विहार कॉलोनी का तो दूसरा मरीज ग्रामीण क्षेत्र में सदस्य शासकीय कर्मचारी भी शामिल है। खंडवा जिले में लगातार कोरोना के संक्रमण मरीज मिलते ही जा रहे हैं। मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी रुकने का नाम नहीं ले रही है, जहाँ लगातार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, सफाई कर्मचारी शहीद हो रहे हैं। कलम के माध्यम से पत्रकारों द्वारा सभी जिले वासियों से लगातार अपने घरों में रहने की अपील की जा रही है। खंडवा शहर सहित खंडवा जिले को कोरोना अपने आगोश में लेता जा रहा है। अगर अभी भी सरकार द्वारा बताए गए नियमों का पालन नहीं किया गया तो खंडवा जिले में यहां बीमारी पूर्ण रूप से अपने पैर पसार लेगी और जिले में कोहराम मचा देगी। खंडवा इन क्षेत्रों में नागरिकों की लापरवाही की वजह से देखने को मिल रहे इनके द्वारा जानलेवा बीमारी को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, जिसके कारण शहर में कोरोना संक्रमित के मरीज की संख्या में इजाफा हो रहा है। यहाँ पूर्व में ही कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है, जिसमें गुलशन नगर, सरोजनी नगर, सिंधी कॉलोनी, वेसला विहार कॉलोनी, हाट केसरी बाग, घासपुरा, खान सावली, इमलीपुरा, इनके द्वारा एक नया मरीज ग्रामीण क्षेत्र में शासकीय कर्मचारी भी संक्रमित पाया गया है। खंडवा से अरवाज खान की रिपोर्ट।